गाइस सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गर्ल्स के लिए, क्योंकि काफी टाइम से लोग मुझे बोलते हैं कि अपना सूट कलेक्शन व्लॉग करो, सूट कलेक्शन दिखाओ, या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स पे भी मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज ये सूट आपने कहाँ से लिया है या आप कहाँ से लेते हो। मैं आज आपको सब बताऊंगी। पहली बात तो मैं कहीं से सूट लेती नहीं हूँ, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कहीं से ले लूँ, मैं खुद से ही स्टिच करवाती हूँ। और अब मैं आगे आगे आपको बता दूंगी। बाकी आपको जो पानी वाली और बर्तन की आवाज आ रही है, हमारे घर में अभी बर्तन तो कोई बात नहीं गाइस, हम प्लीज इग्नोर कर देना बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ। तो चलो अब हम चल आंटी जल्दी कर दो, फिर सफाई में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। चलो तो अब हम चलते हैं। कोई नहीं गाइस, सबके घर में काम होता है, हमारे घर में भी काम है। और वैसे भी सर्दी है तो ज्यादा आवाज आती है, क्योंकि फैन वैन सब बंद होता है तो बहुत ज्यादा आवाज आती है घर पे, कोई भी सामान गिरता है कुछ भी। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो सूट कलेक्शन दिखाती हूँ। चलो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, साफ सफाई। इधर देखो गाइस, पता है मेरे को ना अभी ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो इसलिए ना मैं क्या नाम है ये बॉटल को वॉश कर रही हूँ पानी डालने के लिए, क्योंकि ना मेरे को पानी पीना है बार बार, मुझे खांसी हो गई, फिर बीच में आप लोग बोलोगे अभी। ये मम्मी बार बार क्या लेने आया है पहले तो मुझे ये बता दो। हाँ जी हेलो गाइस, हेलो, बीच में आ गई है मम्मा, इनको दे रही है प्रसाद। मम्मा सो हेलो गाइज, अब हम रेडी हो चुके हैं सारी सेल लगा के सूट की। मुझे इनमें से काफ़ी सूट ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे जितने सूट मिले मैं उतने सूट का ही आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अब बिना किसी ब्रेक के हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहले मैं सूट दिखाती हूँ। क्यों बना कोई बना ये बना ये सूट तो गाइस ये सूट तो आप सबने देखा ही होगा, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो सूट है ये सबने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो लोग इंस्टाग्राम से आए होंगे उनको ये सूट जरूर पता होगा। तो ये सूट में मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि ये कौन सा कपड़ा है, तो मैं बता दूँ ये सिल्क कॉटन है, जो कि मैंने इसके नीचे लाइनिंग भी लगवाई हुई है अगर आप देखते। ये मैंने खुद स्टिच करवाया है, ये रेडीमेड सूट नहीं है। और इस पे जैसे जो लेस वगैरह होती है मैंने वो उससे इस पे डिज़ाइन करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत पतला पतला, मतलब मैंने इसे डिज़ाइन। और मैंने पीछे ये जिप रखवाई है, मैं जिप इसलिए रखवाती हूँ क्योंकि मुझे जिप से फिटिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो ये है, और मैंने इसके यहाँ पे नीचे भी ये देखो मैंने डिज़ाइन करवाया है यहाँ पे जो इसका चाक होता है, एंड इसके नीचे ऐसी ही इसकी पैंट है। ये सूट मेरा सबसे फेवरेट सूट है, मतलब मेरे जो फेवरेट सूट जैसे आता है उनमें से ये सूट मैं कभी किसी को नहीं देती, जो कि मेरी बहनें पीछे पड़ी रहती है। सेकंड सूट, तो नेक्स्ट सूट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। ये भी कुछ ऐसा ही है, मतलब ये दोनों ना सेम कपड़े हैं, मतलब सेम जो इनका फैब्रिक है वो सेम है। ये सूट भी मुझे काफी पसंद है, मेरी मम्मा के पास ऐसा सेम सूट है। इस पे भी मैंने ये जो डिज़ाइन है इस पे बना बनाया नहीं था, ये डिज़ाइन मैंने इस पे खुद बनवाया है, जो कि ये लेस है और ये इसमें 3 फ्लावर है, देखो ये किस तरीके से लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो ये मैंने खुद लगवाया है और मैंने इस पे भी नीचे ये डिज़ाइन करवाया है, तो आप देख लो ये भी सूट काफ़ी मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब मैं ये डालती हूँ। इसके पीछे भी चेन है आप देख सकते हैं, और ये कपड़ा ना शाइनिंग कपड़ा है, ये कॉटन नहीं है, ये शाइनिंग, आई थिंक इसको शाइनिंग
सिल्क कॉटन कहते हैं, और ये इसकी पैंट है। नेक्स्ट है जो मैंने अभी वीडियोस में डाला है, कौन सा दिखाऊं, ये वाला दिखाती हूँ। ये जो सूट है ये मुझे आया है, ये मुझे कोलैबोरेशन में आया था सूट। दृष्टि किससे आया था आप ही बताओ। ग्लोरियस ट्रेंड। ग्लोरियस ट्रेंड से आया था ये सूट मुझे, और ये सूट काफी अच्छा है। ये मैंने अभी डाला था, ये आप सबने देख लिया होगा मेरे रील्स में। तो ये रेडीमेड सूट है जो कि मुझे आया था। तो ये इसका ये है, इसका क्या है, चुन्नी है। पानी पी लीजिए। इसलिए भरा था भाई से मैंने, मैं बहुत बीमार हूँ। तो ये इसके नीचे का है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ। प्लीज़ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास तो बहुत सूट है, मेरे पास बहुत सूट है, लेकिन ना कुछ सूट मेरे इसके अंदर नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना, मैं इतने सूट होते हैं मेरी अलमीरा में भी, मुझे नहीं दिखाई देते कई बार। लेकिन मुझे जितने मेरे सामने पड़े थे मैं वो सारे, अब ये मैं पार्ट वन कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसका पार्ट सेकंड बना दूंगी। जो सूट इसमें नहीं है वो मैं पार्ट सेकंड में बना दूंगी, क्योंकि आगे आगे मेरे पास और भी सूट आने वाले हैं, तो मैं पार्ट टू बना दूंगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस सूट से। तो ये तो बहुत सिंपल सूट है, ये तो ये मैंने डाला है रील्स पे। तो ये भी रेडीमेड है, इसमें मैंने कुछ नहीं बनवाया, ये रेडीमेड सूट है। इसकी कुर्ती है और ये इसके नीचे का ऐसे प्लाजो टाइप है। ओके गाइस, ओके। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी रेडीमेड सूट है। पहले मैं आपको रेडीमेड सूट दिखा देती हूँ। ये भी रेडीमेड सूट है, इसके अंदर बहुत अच्छा वर्क हुआ हुआ है ऊपर शाइनिंग में। ये भी मैंने अपनी रील्स में डाला हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है। इसका कलर बहुत प्यारा है, और इसके साथ है ये इसका प्लाजो, लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये मेरी कुर्ती है जिसको मैंने सेम प्लाजो के साथ डाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किसके डाला है। इसके साथ भी मैंने इसके अंदर ऐसे सर्कल में डिजाइन, मुझे बहुत पसंद है सिंपल कुर्तियों को जो प्रिंटेड होती है उस पर डिजाइन करवाना, मुझे बहुत पसंद है ये कुर्ती। और इसके साथ ये पिंक कलर का जो है इसका प्लाजो है, ये सिंपल प्लाजो है, इसमें कुछ नहीं है। और इस प्लाजो के साथ मैंने एक ये कुर्ती भी डाली थी जो कि मेरी वीडियोस में है, अगर आपने देखी होगी तो। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये जो मेरी कुर्ती है उसमें भी मैंने डिजाइन करवाया था, पीछे मैंने डोरी लगवाई थी, दिख रही होगी आपको, मैं दिखाती हूँ यहाँ। बट इस कुर्ती के साथ तो मेरे साथ एक सीन हो गया है। इस कुर्ती पे मैंने क्या करा, ये ना मैंने खुद धोई थी, मम्मा ने नहीं धोई, तो मैंने क्या करा इसको ना वॉश करके ऐसे ना निचोड़ के ना काफी दो दिन तक ये ऐसे ही पड़ी रही थी सुखड़ी हुई। तो इसका जो कलर था ना वो पीछे का भी वैसे खराब हो चुके हैं, मतलब ये डालने लायक नहीं रही है। तो ये देखो इसके पीछे ना निशान पड़ गया है, तो अभी मैं डालने लायक नहीं रही, सो सैड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुद स्टिच करवाया है रिसेंटली, मैंने अभी वीडियोस में डाला होगा लास्ट मंथ ही। तो मैं आपको बताती हूँ वो सूट काफी यूनिक है, वो दो सूट, मतलब एक सूट में ही दो सूट है। ये देखो, इस सूट की मैंने जैकेट बनवाई है, ये सिंपल जैकेट है, ओके, शॉर्ट जैकेट। एंड इसी के साथ जो इसकी कुर्ती है वो ये है, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। और मैंने इसके यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं, मैंने इसके यहाँ पे भी डिजाइन करवाया हुआ है ये बटन वाला। और ये इसके साथ है, और ये इसके साथ पैंट है। सो गाइज, ये पूरा भी एक सूट बन चुका है जिसके साथ ही कुर्ती और ये इसके साथ है। लेकिन मैंने इनको अगर मैं अलग कर देती हूँ तो मैंने इसके साथ एक सिंपल पैंट भी सिलवाई है जो कि ये प्लेन सूट भी है। ओके, यहाँ पे ढेर लग जाएगा, उठा के साइड पे रख दो ना। किसका कूड़ा ये, कोई नहीं। अब मैं आपको कुर्तियाँ मैं सबसे एंड में दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं अपने पूरे सूट ही दिखा देती हूँ आपको। और पहले मैं आपको ये पिंक सूट दिखाती हूँ। ये पिंक सूट मैंने बहुत कम डाला है, ये मैंने अपने सॉन्ग में डाला था, लेकिन ये भी बहुत सिंपल सूट है, ये अनारकली टाइप है। ये सूट की लुक बहुत अच्छी है, इसके पीछे बटन है ऐसे रेड में, और इसकी स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे भी रेड है, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इसके साथ रेड चुन्नी है, और इसके नीचे जो सलवार है वो भी काफ़ी अच्छी है। देखो, इसका मैंने खुद डिजाइन दिया था गाइस, ये प्रेस नहीं है क्योंकि मैं इतने सूट प्रेस नहीं कर पाई। ये देखो,
तो ये पूरा बहुत अच्छा लगता है, ये पूरा मैच होके काफी अच्छा लगता है, मैं दर्द देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे फेवरेट लड़कियों का जो कि सब देखते हैं, ये है मेरा ब्लैक सूट जो कि सबको पसंद है। इसका मैं आपको बताती हूँ, ये कॉटन है, मतलब रेयन कॉटन बोलते हैं शायद इसको। ये बहुत अच्छा कपड़ा है, पता है ये मेरा ना, सच बताओ इस सूट को मुझे 2 साल हो गए, मतलब 2 साल तक ना ये अभी भी ऐसा, मुझे इसकी पैंट छोटी हो गई है मैं इसको अभी भी नहीं घेरती, लेकिन मैं ओल है दृष्टि देखो मैंने कहा था सारे सीधे करके रखना थोड़ा सा काम आपको भी करना चाहिए ना, कर बात नहीं, मैं कर देती हूँ। हाँ, सब okay. सब ऐसे रहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर जो है, इसमें सबसे एक अलग चीज ये है कि मैंने ब्लैक के ऊपर गोल्डन लेस है, जो कि आपको मैं सच्ची बताऊँ मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, आप जाओगे तो ये लेस आपको कहीं भी मिल जाएगी। मैंने उस चीज की इस पे और बैक पे पाइपिंग करवाई हुई गले पे और नीचे भी, शायद इसको चाक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसका, हाँ, चाक चाक। तो ये ब्लैक सूट मेरा सबसे फेवरेट सूट है और इसमें मेरी वीडियो काफी वायरल हुई थी, ढूंढने से भी नहीं मिली। ये कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है, ये भी रेयन कॉटन है गाइज, आपको ना ये कपड़ा देख के ही शायद पता लग जाना चाहिए कि कैसे कपड़ा, ये थोड़ा सा ना मतलब स्किन पे एकदम से मतलब कैसे बताऊं चिपक जाता है भाई, खुल जाता है, मतलब ये काफी अच्छी शेप देता है चिपकता है छोड़ो बैकग्राउंड म्यूजिक की सुना मत करो मेरे फैंस बोलेंगे बोला जा नहीं रहा, लोग शूट कर पानी पी लो गाइस प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे मेरा पानी ढूंढने में नहीं और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, मुझे भी ये ऑनलाइन ही मिला है, और ये इसके नीचे का प्लाजो है, ये काफी काफी लोगों को आपने वेयर करा और देखा होगा काफी लड़कियों को, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे भी ये हर पेज पे है। नेक्स्ट है ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, मतलब इनके नीचे की जो प्लाजो है जो भी है वो सिमिलर है, ये देखो ये मैंने अभी ये नहीं डाला है, ये मैंने एक भी रील में नहीं डाला है ये सूट, मैंने मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं डाला, और इसके साथ ही नीचे का प्लाजो में टर्न ही नहीं आई है बेचारे की, शरारा टाइप। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्रीन सूट जिसके साथ है मेरी वाइट पजामी 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 पैंट पैंट गाइस इस पे मैं दिखाती हूँ, ये जो मैंने डिजाइन करवाया था ये मैंने बिल्कुल अलग अलग कपड़े लिया था, ये मैंने कपड़ा ही लिया था। अब मैं ये बोलती हूँ कि कपड़ा कहाँ से लेती हूँ, तो देखो आपके भी नियर आपको ही पता होगा कपड़ों की शॉप कहाँ पे है जहाँ पे आपको ऐसे कपड़े मिले जिससे आप अपनी कुर्ती वगैरह सिलवा सकते हैं, तो ये भी कॉटन का ही है, लेकिन मैंने जो इसकी कुर्ती का है वो मैंने नीचे इस पे डिजाइन करवाया था, ये तो बहुत सिंपल आप किसी भी टेलर को दिखाओगे तो वो ये शायद बना देगा। तो इसमें यही पार्ट सबसे अच्छा है कि मैंने इसकी पेंट पे ये डिजाइन करवाया, और बाकी ये मेरी सिंपल कुर्ती है मैं आपको दिखा देती हूँ, बट इस पे एक गलती उस टेलर ने कर दी, मैंने उसको बोला था कि ग्रीन जिप लगा रहा, उसने मेरी वाइट जिप लगा दी जो कि बहुत अलग दिखती है इस पे, बट कोई नहीं है मैंने वीडियोस में डाला है आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये ग्रीन वाला जो कि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस सूट की भी फिटिंग मुझे काफी, और ये सूट ना दोपहर में मैंने वीडियो में जब भी मैं डालती हूँ ये काफी अच्छा लगता है, इसकी जो स्लीव्स है वो काफी अच्छी है, क्या बोलते हैं स्लीव्स को, क्या बोलते हैं बैलून अम्ब्रेला स्लीव्स, ओह माय गॉड सारा पता है किसी को सूट डालती हो पता सारा है। और ये है नीचे किसका पैंट, नीचे किसका पैंट नेक्स्ट सूट, तो ये भी ब्लू सूट है, ये भी मैंने स्टिच नहीं करवाया, ये मेरा रेडीमेड सूट है
जो कि मुझे बहुत पसंद है। इस सूट में मेरी कोई पिक नहीं है गाइस, मुझे इसमें जो है शूट करवाना था लेकिन कुछ लोगों ने मेरा शूट बिगाड़ दिया, इसलिए मैंने इसकी एक भी पिक अपलोड नहीं करी, बट ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो ये इसकी कुर्ती है और ये इसके नीचे का प्लाजो है, आगे सिंपल प्लाजो गाइस। इसके ऊपर मैंने ये लाइनिंग वाला डिजाइन करवाया, अगर आपको दिख रहा हो तो यही सेम डिजाइन मैंने इसके स्लीव्स पे करवाया है। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है। अगर जिसको यहाँ पे मेरे सूट नहीं समझ आ रहे हो और उन्हें लग रहा हो कि मुझे देखना है, तो आप मेरी वीडियोस में जाके सेम सूट देख सकते हैं, आपको मेरी बस प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? लाइक तो करो, फॉलो करो। आपको पता है गाइस ये सूट मैंने कितने का लिया है? कितने का गाइस ये ना पता है, मतलब ये कपड़ा ना, मैं सच्ची बताऊं, मेरी मम्मा के ना सूट में से बच गया था और आप देख लो कि मैं कितनी पतली हूँ, बट अब मुझे बहुत टाइट आता है, मैं दोबारा इसको नहीं वेयर कर सकती। अगर किसी को खरीदना हो तो बता दे खरीदना तो मैंने ये बोल दे कितने का, सब फ्री मांगेंगे। नहीं सच्ची, 250 का तो गाइज ये वाला जो कुर्ती है ये मतलब बहुत प्यारी है, इसको मैंने ब्लैक के साथ भी डाला है, व्हाइट के साथ भी डाला हुआ है। तो ये मेरी सिंपल कुर्ती है जो कि मेरी मम्मा के सूट में से बच गई थी तो मैंने बनवा ली, ठीक है? इसके पीछे इसके नीचे का तो बता दो, पैंट ब्लैक पैंट नॉर्मल सबके पास होती है, अगर किसी के पास ब्लैक सूट है तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं डाले, मेरे दो सूट ऐसे हैं रेडीमेड सूट जो कि मुझे ऐसे लगते हैं कि वो थोड़ी आंटी वाली फील देते हैं, बट मैंने नहीं डाले, बट हाँ मैं डाल लूंगी जिस दिन मुझे ऐसा लगा कोई जयपुर फेस्टिवल हुआ। जयपुरी नहीं, प्लीज प्लीज गाइस आप बता रहे कि ये कौन सा प्रिंट है, क्या जयपुरी प्रिंट है? कुर्ती दिखा दो एक बार इसकी। हाँ कुर्ती भी देख सब दिखा दो, कमेंट करके बता दो प्लीज, ये मुझे झूठा सा प्लीज, ये मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला सूट जो है वो जयपुरी है या नहीं। ये जयपुर डाली है, ये भी सूट गाइस ये मैंने स्टिच करवाया है। ये सूट जो है मतलब देखो इसमें मैंने ना पीछे प्लेट्स डलवाई हैं, अगर दिख रही हो तो, एंड इसमें भी यहाँ पे लेस लगी है और नीचे भी मोटी लेस लगी है, ठीक है? बट ये मैंने अभी नहीं डाला है, रिसेंट वीडियोस में मैं जरूर डालूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा। और इसके नीचे मैंने सलवार सिलवाई है जिसके बड़े बड़े पोंचे हैं, पोंचे यार हम पोंचे बोलते हैं, पोंचे। एक और सूट है, मैं अब ये दिखा रही थी, वो सूट खत्म हो रहे हैं। तो एक ये था जिसके ऊपर ये मैंने जन्माष्टमी पे इसकी पिक डाली थी, हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ ये सूट तो सबने देखा होगा, मैंने जन्माष्टमी पे इसकी पिक डाली थी, यार मुचड़े दिख भी रहे हैं सूट। इसके नीचे पर इसकी जो धोती थी गाइस वो बहुत ज्यादा मेरे को अच्छी लगी, मतलब मैं इसके ऊपर ना एक रेड कलर का भी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टिच करूँ, इस पे बताना कि इस पे रेड कलर का अच्छा लगेगा या ऐसे खोल के दिखाओ एक बार। पानी गाइस एक सूट है जो कि मैं अपनी मम्मा को बोल रही हूँ कि प्लीज आप ले लो, मुझे नहीं डालना। फुलकारी इसकी फुल फुलकारी 2000 years later, ठीक है? और इसके ऊपर क्या नाम है, ये ऑरेंज कलर का डिजनी पास सूट है, हजाम। हाँ और इसके ऊपर भी ऐसे है, मतलब ये भी बहुत सुंदर सूट है लेकिन ये मेरी फिटिंग का नहीं है गाइस, तो मैंने अपनी बोला मम्मा को प्लीज आप डाल लो, ये मेरी मम्मा ने जानबूझ के अपनी फिटिंग का करवाया क्योंकि वो ये चाहती थी कि तुम ना डाले तैयार डाल लो, तू बस फिटिंग इसके नीचे क्या है, इसके नीचे सलवार है दिखाना, सलवार काफी डिजाइनर है अगर आपको देखते हो, झोला सलवार है बिल्कुल। ओ माई गॉड
मतलब ये ना देखो इस पे ना गाइस, इस पे बहुत अच्छा डिजाइन है इस सलवार पे, देखो ये आपको ना वीडियो में ही अच्छा दिखेगा, यहाँ पे अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं जरूर इसको कोशिश करूंगी कि मैं डालू, बहुत हैवी सूट है ये। सो फाइनली गाइस, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपनी सारी जितने भी मेरी कुर्तियां, मैं अब आपको वो दिखाने वाली हूँ। तो ये वाला सूट रह गया गाइस, ये सिंपल सूट है, आपको पता है ये पंजाबी सूट है, मैं इसको भी खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने वीडियो में डाला था, ये काफी अच्छा लग रहा था, इसकी ना इसकी जो ये ऊपर की कुर्ती है काफी छोटी बनवा दी मैंने, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो में। और इसके ऊपर जो है ये बहुत हैवी सलवार है, बहुत ज्यादा हैवी, देखो ये खुलते हुए भी इसने बहुत टाइम ले लिया, तेज बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, पानी। चलो गाइस, अब मैं जल्दी से आपको अपनी कुर्तियां दिखाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मतलब काफी लंबा व्लॉग हो जाएगा, 18 मिनट हो चुके हैं। ओके सो गाइस, ये जो है मेरी ये एक कुर्ती है ग्रे कलर की, ये भी मैंने कपड़ा लेके खुद ही स्टिच करवाई है, इसकी स्लीव्स काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं, ये भी मेरे लड़ाई भी है, इसके पीछे भी चेन है, ठीक है, ये मैं यहाँ रखती जाती हूँ। एंड ये भी आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी, ये भी मैंने स्टिच करवाई है, ये यार ये आप भी करवा सकते हो, सारी कुर्ती आपने स्टिचिंग करवाई है, ये आप भी करवा सकते हो, ये कुर्तियाँ कोई रेडीमेड कुर्तियाँ नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी लगती है, मैं स्टिच करवाती हूँ, मैं कहीं से नहीं लेती, बस ये कलर ब्यूटीफुल होता है, बस आप ये देखा करो कि जैसे मैं ये ऐसे डिजाइन करवाती हूँ वैसे डिजाइन करवा के काफी, क्योंकि व्हाइट के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये भी आपने मेरा देखा होगा, ये कलर ही मतलब ऐसे है, डिफरेंट है, ये ब्लैक के ऊपर भी जा सकता है, रेड के ऊपर भी जा सकता है, व्हाइट के ऊपर भी काफी अच्छा लगता है। तो ये भी मेरी एक कुर्ती है सिंपल सी। नेक्स्ट, ये भी मेरी एक कुर्ती है जो कि बहुत प्यारी है, जो कि मैंने वीडियोस में डाली, मैंने अपने सॉन्ग में भी ये डाला हुआ है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसके नीचे मतलब मैं ब्लू भी डाल सकती हूँ, बट मैंने इसके नीचे आई थिंक व्हाइट पैंट डाली थी, ये मैंने अभी रिसेंट वीडियो में डाला था, काला काला सूट, काली हील थे, पता नहीं कौन सा सॉन्ग था, दिलजीत का सॉन्ग था, उस मैंने ये डाल दी, इसके ऊपर ना लेटर्स बने हुए हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी मतलब बहुत प्यारा, ये मैं घर में भी डालती हूँ जीन्स के ऊपर, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये ऐसे भी आप बनवा सकते हो, इसके ऊपर का बस गला आप अगर ऐसा बनवाते हो तो ये बहुत प्रीटी लगते हैं डालने में, जो कट स्लीव डाल सकते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ये ब्लू, ये सीधा ही होता है, इसको सीधा करते थे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये ना मैंने जो इसके नीचे मैंने डाला था वो चिकन का कपड़ा होता है, मेरे को चिकन ही पता है, इसको चिकन का कपड़ा बोलते हैं, ये पूरा सूट है, मतलब देखो मैंने ये मैंने सूट और मतलब ये दोनों मैच करवा के बनाया था, बट ये कोई नहीं कह सकता कि रेडीमेड है, पूरा सूट लगता है, देखो रेडीमेड है, मैंने खुद स्टिच करवाया है, देखो इसके ऊपर वाइट चुनरी लगाई, ये बिल्कुल बहुत प्यारा सूट लगता है। और ये मुझसे ये कुर्ती जब मैंने डाली थी तो सबने मुझसे इसका डिज़ाइन पूछा था कि दीदी ये आपने कहाँ से बनवाई है, ये कहाँ से ली है, यार ये मैंने कहीं नहीं ली, ये आप भी अगर आपको कैसा भी नेक पसंद है तो आप ये नेक का बनवा सकते हो, इसके बस ऊपर ना कपड़ा लगता है, जो कि आप टेलर के पास जाओगे और ये डिज़ाइन दिखाओगे तो वो ज़रूर बना देगा, यार तो रुकी मेरे देखो ठीक है, अभी मेरे पास बहुत कुर्ती है लेकिन मैं जो जो मेरे को दिखी मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने बहुत कम डाला है बट ये बहुत प्यारा, मैं सोच रही हूँ इसको दोबारा मैं वीडियोज़ में डालूँ, इसके यहाँ पे ना कट है जो कि मतलब ये ब्लैक एंड वाइट बहुत मतलब दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ तो ये पूरी ड्रेस लगेगी और रेड के वाइट के साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा, जो कि मैंने इसको वाइट के साथ डाला है। तो अभी लास्ट है जो कि ये भी लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं गाइस अभी मेरे पास बहुत है, मैंने अपना ब्लू सूट नहीं दिखाया, ग्रीन नहीं दिखाया, येलो नहीं दिखाया, मतलब अभी बहुत सूट है जिनके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया आपको, क्योंकि अभी वो मुझे नहीं मिले, मुझे ढूंढने पड़ेंगे। एक ये भी है जो कि मैं इसको ब्लैक के साथ डालूंगी। सो जरा मेरा सूट कलेक्शन देखो, ये मेरी अलमीरा में कुछ इस तरीके से पड़े होते हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग इतना ही था, क्योंकि नेक्स्ट जो भी मैं डालूंगी पार्ट टू वो मैं बहुत मतलब इससे ज्यादा सूट ना हो, मैं सोचूंगी कि वो थोड़ा छोटा बने क्योंकि मैं उसमें जल्दी जल्दी दिखा दूँ। आई थिंक ये मेरे कितने सूट होंगे गिनती के 30, चलो मैं तो बाद में गिन लूँगी, लेकिन आप लोग गिन के बताना कमेंट में कितने सूट हुए और कितनी मैंने आपको कितनी आपको कुर्तीज दिखाई कुर्तीज दिखाई है।
सो गाइज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाकी और व्लॉग आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट टू बनाऊँ तो इस व्लॉग में जो भी मतलब आपको लगा कि मैंने नहीं बताया, किसी कपड़े के बारे में मैंने नहीं बताया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता रहे कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके बारे में आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं सूट कलेक्शन बनाऊँ क्योंकि ना अब विंटर्स आ गई है, तो अब मैं विंटर्स का स्टॉक लाऊंगी। तो ये सारा मेरा गर्मियों में जो मैं इस साल डाल चुकी हूँ, अब ये सीधा सच्ची बताऊँ जाके ये जाएगा जो हाँ आप रखते हो जैसे दीवार वगैरह में रखते हो या फिर आप ऊपर बैग में पैक करके रखते हो, अब ये वैसे हो जाएंगे। तो ये अब मेरे दोबारा वीडियोस में शायद ही आपको दिखे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इन सूट के बारे में बता दूँ जो मेरे पास नेक्स्ट अपकमिंग सूट जो मेरे आने वाले हैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। थैंक यू, बाय गाइज, टेक केयर, बाय।